पीलीभीत के कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र में कस्बे के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद के तेज बहादुर का पुत्र प्रदीप कुमार बुधवार की रात 9:30 बजे SRM मंदिर से वापस आ रहा था। वह जैसे ही कस्बे के रामपुरा चौराहे पर पहुंचा, पीछे से आ रहे बाइक सवार युवकों ने प्रदीप पर 2 फायर कर दिए। प्रदीप के अनुसार पहला फायर उसको नहीं लगा, लेकिन दूसरे फायर से वह घायल हो गया। उसके बाद हमलावर भाग गए। प्रदीप के अनुसार वह हमलावरों को पहचान नहीं सका। घायल अवस्था में प्रदीप को CHC बीसलपुर में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। हमारा सर 2-3 दिन पहले दादा झगड़ा हुआ था, तो उसमें दादा वो मैं NCR लिख दी थी। आज हम अपने मंदिर जा रहे थे, सब 8:30 किन लोगों से झगड़ा हुआ था? सौरभ गुप्ता और लोग थे 2-3, तो उनसे झगड़ा हुआ था। उन्होंने धमकी भी दी थी, उसमें सर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इन्होंने कार्रवाई हुई जाती तो पहले ही हो जाता मेरा काम। अब सर आज मैं जा रहा तो मेरे पीछे 2 व्यक्ति ने गोली मार दी। काली गाड़ी थी जिन्होंने गोली मारी थी। मैं मंदिर जा रहा था करीब 8:30 पे। गोली कहाँ पे लगी? पीछे लगी, आप देख लीजिएगा, दिखाऊँ? हाँ, एक सूचना है, 8:30 बजे प्रदीप सुनो तेज बहादुर दुर्गा प्रसाद मोहल्ले से, उन्होंने कहा कि उनको 2 अज्ञात लोगों ने काली बाइक पर सवार के रामपुरा तराई के पास गोली से फायर किया, जिससे छर्रे लगे हैं उनके पीठ पर। उनकी तहरीर ले ली गई, मेडिकल के लिए भिजवाया जा रहा। जाँच के बाद जो भी कार्रवाई की जाएगी।